हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड्स प्लानिंग में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज बैंक निफ्टी ने क्या किया है, आज का मूव कैसा था। आज का डे एक्सपायरी डे है। बैंक निफ्टी का चार्ट है 10 नवंबर 2022। वीडियो जरा सा लंबा होने वाला है, एक्सपायरी का आज हम डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, इसलिए इंफॉर्मेटिव ऑडियो होने वाला है। फर्स्ट ट्रेड हमारा यहाँ पे बना था इस वाली कैंडल पे। क्या टाइमिंग है इसका, 10:30 का, ठीक है। इस कैंडल ने जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करी थी तब हमारा ट्रेड बना था। डे के चार्ट पे आते हैं। मार्केट जब इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर जाके नीचे आ रहा था तो सबको ऐसा ही लग रहा था कि मार्केट बहुत कुछ डाउन मूवमेंट देने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और ये होने का चांसेस बहुत ही कम था। क्यों कम था? क्योंकि जब मार्केट को आगे जाना होता है तब इतना टाइम वेस्ट नहीं करता मार्केट कभी भी। कितना टाइम? इतना टाइम, ठीक है। ये टाइमिंग मार्केट ने वेस्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है, मार्केट आगे जाने वाला नहीं है। आगे का ऊपर का भी ट्रेड बन सकता था लेकिन क्यों नहीं बना, इसके लिए हम देखेंगे निफ्टी को, क्योंकि हम निफ्टी को सिंक करके चलते हैं बैंक में ट्रेड लेने के लिए। तो देखेंगे, जाहिर सी बात है जब निफ्टी वीक होगा तो बैंक आपका ट्रेड कम देगा, ठीक है। निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी वीक क्यों था, हम ऐसा सोच क्यों रहे थे कि निफ्टी वीक क्यों है। ये देखिए, निफ्टी दिखा रहा है कि हम दोनों पॉइंट को ब्रेक करके नीचे आ चुके हैं, तो हम क्यों बैंक में ऊपर का ट्रेड ले। ये देखिए, इधर तीसरी बार में ही मार्केट ने ब्रेक किया था इस लेवल को और ब्रेक करके नीचे आ भी चुका था उसी टाइमिंग पे। जितने टाइमिंग पे ये होल्ड कर रहा था उतने टाइमिंग तो बैंक ऊपर ही सस्टेन कर रहा था, इतने टाइमिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है? हाँ, बैंक में ट्रेड बनता था कब, ये जो स्विंग है, अगर ये स्विंग इधर बनता तो हम क्या करते, एक ऊपर से ऐसे ट्रेंड लाइन बना के जब इसको ब्रेक कर दे तो हम एक ट्रेड बनाते थे कॉल के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये नीचे की लेवल से ही मार्केट नीचे आ गया। हमने आपसे जैसे ही वायदा किया था कि 18 नवंबर से हम लाइव ट्रेड करके दिखाएंगे आपको, फर्स्ट ट्रेड जो भी हमारा बैंक निफ्टी में होगा इसका लॉजिक क्या है, इसका सेटअप क्या है, हम उसी टाइम से आपको बताएंगे लाइव में, ठीक है। सेटअप के लिए अलग एक कुछ वीडियो बनाऊंगा और लाइव टेस्टिंग उसके उसी सेटअप पे लाइव टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए, सपोर्ट के लिए हम 1 आवर के चार्ट पे आएंगे। उस दिन हमने इस सपोर्ट को निकाला था 7 नवंबर को। कैसे निकाला था? एक रेक्टेंगल लेके इस पॉइंट को हमने लिया था और ये निचला पार्ट हम इन बॉडियों का हमने ड्रॉ किया था। तब क्या हुआ था, ये हमारा यहाँ पे सेंटर पॉइंट आया था, ठीक है। उसी ठीक जोन पे आज भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ये देखिए, आज का मार्केट का सपोर्ट भी उसी लेवल पे ही है, ठीक। और दूसरी बात, जब भी कभी 1 आवर की कैंडल कंप्लीटली विदाउट वीक क्लोज कर दे किसी पिछले राउंड लेवल पे या किसी पिछले सपोर्ट लेवल पे, इतना तगड़ा रेजिस्टेंस पिछले बॉक्स में था, ये देखिए, हर बार यहाँ से कैंडल्स रिजेक्शन खा रही थी, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है सपोर्ट मार्केट लेगा। पहले टेस्ट भी कर चुका था इस लेवल को तो दोबारा और एक बार चांसेस था। इस लेवल पे जब मार्केट बैंक आई थी इस लेवल पे, तब निफ्टी में क्या हुआ था देखेंगे। चलो, निफ्टी उसी टाइम पे एक राउंड नंबर पे खड़ा था, ठीक है। राउंड नंबर कौन सा है? ये राउंड नंबर है 18,000 का। इस नंबर के आसपास ट्रेड कर रहा था। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है मार्केट सपोर्ट फाइंड कर रहा है। यहाँ पे निफ्टी में सपोर्ट कैसा हमने फाइंड किया था, ये देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था मार्केट ने। हाँ देखिए, जब हम यहाँ पे थे तब हम इस लेवल की बात कर रहे थे, जब हम यहाँ पे थे तब हम इस लेवल की बात कर रहे थे। आज उस लेवल का कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मार्केट नीचे है तो हमें इस इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो आज का लेवल क्या है, हमें सपोर्ट ढूंढना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए या रिवर्सल प्लान करने के लिए। फर्स्ट हमारा सपोर्ट कहाँ पे बन सकता है? इस लेवल पे बन सकता है। क्यों? इसको मार्केट ने एक बार टेस्ट करके गया और आके ब्रेक कर दिया, तो हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट अगला सपोर्ट कहाँ पे है। हाँ, हमारा पुराना टेक्निक क्या है, टेक्निक ऊपर की कैंडल का हाई लेंगे और नीचे बॉडियों का हाँ लो लेंगे, ठीक है। एक बॉक्स बनाएंगे इतना, ओके, यहाँ तक आते हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं सेंटर पॉइंट। देखिए आपके सामने है, उसी जोन पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है।
इतना पॉइंट आपको एक्यूरेट मिला है और बैंक यहाँ से बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने का ट्रैक करेगा, तो हम बैंक में क्यों अपना ट्रेड पुट साइड बना। एक्सपायरी के दिन ये ध्यान रखना चाहिए कि विदाउट स्क्रीन, यानी हम पीसी या अपने लैपटॉप के आगे नहीं हो तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन चेन का डेटा होना चाहिए और दूसरा भी कुछ आप डेटा चेक करते हो, जैसे कि निफ्टी का चार्ट सिंक करने के लिए होता है, आपको ऑप्शन का चार्ट दिखना चाहिए, ऑप्शन चेन दिखना चाहिए, ठीक है, आपका पीएनएल के लिए, यानी आपको एग्जिट और एंटर करने के लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए एक मोबाइल काफी नहीं है। तो क्या करना है हमें, एक्सपायरी के दिन, कम से कम एक्सपायरी के दिन, ये इसको तो आप कंप्लीट 5 दिन ही आपको इसको फॉलो करना है, लेकिन एक्सपायरी के दिन तो बिल्कुल भी विदाउट पीसी या विदाउट अपना सेटअप आपको कुछ भी काम नहीं करना है, विदाउट लाइव स्क्रीन, ठीक है, लाइव स्क्रीन आपके सामने हो और पीएनएल या आपको एग्जिट एंटर करने के लिए आपके पास एक इक्विपमेंट होना चाहिए, पीसी हो या मोबाइल, लेकिन कम से कम 2 स्क्रीन आपके साथ होने चाहिए, तभी आपको एक्सपायरी का ट्रेड कैच करने में आसानी हो सकती है, ठीक है। इतना बड़ा मूव कितने टाइमिंग में आ गए, देखो 400 से 600 तक, बहुत ही फास्ट मूवमेंट था ये और बिल्कुल भी रिट्रेसमेंट नहीं था, लेकिन जिस किसी ने भी अगला सी का कॉल उठाया होगा उसको दिक्कत आती होगी वोलाटिलिटी के कारण, यानी 500 का या 600 का जिसने भी कॉल उठाया होगा उसको प्रॉब्लम आता होगा, लेकिन 400 या 300 में इतनी वोलाटिलिटी नहीं थी। हाँ, जिस टाइम ये पोजिशन बन रहा था यहाँ पे इस जोन पे, मार्केट जब भी आने का ट्राई कर रहा था ऊपर से, तो आज सबका माइंडसेट क्या था कि ऊपर से कल की सेलिंग आई है, मार्केट ने आज ब्रेक डाउन दिया है, निफ्टी में भी आज तगड़ा ब्रेक डाउन मिला है, तो बैंक निफ्टी में आज बहुत तहलका मच जाएगा या नीचे आएगा, बहुत ही बिग मूवमेंट मिल सकता है, ऐसा सबको लग रहा था। रिटेल लोग जब भी बहुत ही बेयरिश होते हैं तब हम फंस जाते हैं, यानी क्या होता है, मार्केट कहीं से तो सपोर्ट लेने का ट्राई करता है। तो यहाँ देखिए, जब मार्केट इस लेवल पे था या इसको भी ब्रेक कर दिया था, तब मार्केट ने 41,300 का या 41,400 पे कुछ भी कॉल की राइटिंग नहीं थी पुट की कंपैरिजन में, यानी अगले जो भी आगे के 5,100 होगा, 600 होगा, 700 होगा, इन पे जितनी राइटिंग थी उतनी राइटिंग इन लेवल पे नहीं थी, जबकि मार्केट इनके नीचे भी आ चुका था लेकिन इन पे राइटिंग नहीं थी। इसका मतलब क्या है, जब इस लेवल पे राइटिंग नहीं है तो मार्केट आगे नहीं जा सकता, ठीक है, पुट का सपोर्ट हो ना हो लेकिन कॉल में तगड़ी राइटिंग होनी चाहिए तभी मार्केट आगे जा सकता है। क्या होता है, जब मार्केट 400 पे आए ना, तो 300 पे और 200 पे भी आपको राइटिंग दिखनी चाहिए नीचे के लेवल जाने के लिए, और ऊपर के लेवल जाने के लिए मार्केट जब भी 400 पे आए तो अगले 2 पोजीशन पे राइटिंग तगड़ी होनी चाहिए, पुट साइड जब मार्केट ऊपर जाता है तो पुट साइड की राइटिंग तगड़ी होनी चाहिए, और मार्केट जब नीचे आता है तो कॉल की साइड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। चलिए, ये आज का था एक्सपायरी का लेसन। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन का यूज करने के लिए जब मार्केट इसमें रिटेस्ट कर दिया तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बना था, हमने यहाँ पे 41,400 की कॉल में यहाँ पे एंट्री करके रख दिया था, कॉल को कुछ भी नहीं करा, लास्ट में एग्जिट कर दिया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज के दिन इतना ही, ट्रेड्स प्लानिंग को जाते जाते सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।